कौन से वार्ड से आप? नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा, वार्ड नंबर 22 से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया है। वार्ड नंबर 22 नगर निगम जयपुर हेरिटेज बास वचनपुरा गोविंद नगर मेरा निकाय क्षेत्र है, वहीं से मैं उम्मीदवार हूँ। और आपने अभी कुछ कार्य करे थे क्या लॉकडाउन में कुछ लोगों के लिए? लॉकडाउन में साहब कार्य किया, मेरे 1 महीने 10 दिन रसोई चली है, राशन के किट वगैरह और जो भी लोगों को मेरे लिए मुझसे जरूरत थी मैंने वो पूरी उन्होंने भी मदद की और पूरे कोरोना काल में उनके लिए लगा। देखिए, क्या नए करना चाहते हैं कार्य ये बताइए। ये क्षेत्र नहीं मेरा परिवार है, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, शिक्षा संस्कार सब यहीं से प्राप्त किया है। तो एक घर की क्या समस्या होती है वो एक घर के परिवार वाले को अच्छी तरह पता हो। यहाँ प्रमुख समस्या है साफ सफाई, नालियाँ और जो भी छोटी मोटी टूट फूट वगैरह है उसका मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि मेरे परिवार वाले किसी भी समस्या से परेशान ना हो। जैसे उन्होंने संदेश मुझे मिलेगा मैं हैंड टू हैंड उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। कितने साल हो गए आपको इस संघर्ष करते हुए या इस दौर के लिए? सर मुझे 11 साल से मैं अपने क्षेत्र की सेवा में लगा हूँ। 2010 में मैं छात्र राजनीति में आया, जो भी मेरे क्षेत्र से कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते थे उनकी कोई समस्या होती थी मैं निरंतर उनकी सेवा करता रहता था। साथ ही मैंने अपना जितना भी समय रहा अपने क्षेत्र की सहायता करने के लिए, चाहे छोटी मोटी कोई भी काम हो मैं खुद जाके पर्सनली वो काम कराया करता था। और मैं ही नहीं, मेरे चाचा जी श्री सुभेंद्र कुमार शर्मा रेजिडेंट हाउस वाले पिछले 30 सालों से निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं और आधी रात को भी अगर कोई समस्या होती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहते हैं। और आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लोग बाग अभी नहीं कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? देखिए, बस सबसे बड़ी मेरे क्षेत्र में कोई भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि जैसे ही मैं पार्षद बनता हूँ अपने क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी या कोशिश करूँगा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवाने की। साफ सफाई ग्रीनरी का मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, युवा हूँ काम करना चाहता हूँ क्षेत्र के लिए, आप अधिक से अधिक मत और समर्थन देकर मुझे विजय। धन्यवाद।